Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rawalpindi Chamber of Commerce ka aaj main shukrguzar hu ki aapne mujhe yahan daawat di aur mauka diya ki baaki bhi chambers ke presidents ek hi chhat ke niche sabse baatcheet kar saku. Pehle to ji Altaf sahab aapne baat ki कि रावलपिंडी की मैं स्पेसिफिक पहले आ जाऊं. कन्वेंशन सेंटर की हमने बात की थी, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं. आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एक्सपो सेंटर होना चाहिए और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. सेकेंडली रिंग रोड अभी तक काफ़ी आगे तक पहुंच चुका होता, लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसमें, अब मैं क्या कहूँ कि जो वो बन रहा था उसके अंदर बदनीयती थी, करप्शन थी, और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा जिसकी वजह से देर हुई. लेकिन ये भी मैं आपको कहूँ कि मैंने इसकी मीटिंग ली है लास्ट, तो ये बिल्कुल उस स्टेजेस पे, फाइनल स्टेजेस पे पहुँच चुका है. अलाइनमेंट इसकी जो गलत कर दी गई थी वेस्टेड इंटरेस्ट को उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो हमने चेंज कर दिया. और ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि वहाँ उसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन्स और क्योंकि यहाँ बड़ी कमी है, ज़मीन बहुत महंगी है. और ये भी मैं आपको कहूँ कि हमने ये भी फैसला किया बहुत पहले से, रज़ाक दाऊद और हमने, कि इतनी ज़्यादा जब महंग, एक तो ज़मीन महंगी होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, दूसरा मसला ये होता है कि वहाँ स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, तो वो बजाय इंडस्ट्री लगने के वो रियल इस्टेट का वेंचर बन जाता है. तो उसके ऊपर भी हमने फैसला किया कि हम लीज करेंगे ज़मीन, ताकि बड़ी सस्ती दामों पे हम इंडस्ट्री को ज़मीन दें. फिर ये आपने बिल्कुल बात ठीक की, मैंने बहुत मीटिंग्स ली हैं. ये हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मैंने खुद उनकी मीटिंग्स ली हैं, और मुझे सारे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उनके अंदर आते थे, सबसे पहले तो ये था कि जो यूटिलिटीज़ थी, जो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जो बाहर बांग्लादेश या जो हमारी कंपीट कर रहे हैं इकॉनमीज़, वो अपनी इंडस्ट्रियल जोन को पूरी तरह, जब वो जोन के लिए जब कोई आ जाता है तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं. तो हमारी बदकिस्मती से हम जब गवर्नमेंट आई तो हमने रियलाइज़ किया इंडस्ट्रियल जोन्स तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कोई प्रोविज़न नहीं थी कि वहाँ बिजली कैसे पहुँचेगी, वहाँ जो भी पानी गैस वो कैसे पहुँचेगी. तो उसके लिए कोशिश भी हम पूरी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें स्पीड अप करने के लिए. और मैं ये भी आपको आज आपकी तजवीज़, मैं मीटिंग्स तो लेता रहा हूँ, लेकिन जो हर हफ्ते मीटिंग लेनी थी वो आपका आइडिया अच्छा है, क्योंकि आप वो मैं मुझे चेक करना चाहिए कि किधर तक पहुँची है. तो मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते मीटिंग लिया करूँगा. अब आपने बात की मदीना की रियासत की, मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ मदीना की रियासत थी क्या, ताकि लोगों को जहन में क्लियर हो जाए, क्योंकि लोग अमूमन मदीना की रियासत सिर्फ मस्जिदों में जुमे की नमाज के अंदर सुनते हैं. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो लोगों की जिंदगियों में आ जाए, क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था. 10 सालों में 622 और 632 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब आया था. वही इंसान वो बदल के दुनिया के लीडर्स बन गए थे. तो वो कुरान में अल्लाह जब हमें कहता है ना कि उनके रास्ते पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि वो एक कामयाब मॉडल था, दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों को, वो जो लीडर्स बन गए और कई सदियों तक दुनिया की उन्होंने इमामत की. तो इलामा इकबाल ये कहते हैं कि अगर जब भी मुसलमान माशरा खड़ा हुआ है गिर के, वो हमेशा उन असूलों के ऊपर गया है जिन असूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी. तो सबसे दो तीन असूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और वो अभी आपने जो करप्शन की बात की वो उसके साथ, उसकी करप्शन जो है वो सिम्टम्स है. जब एक माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती, इंसाफ नहीं होता, वो करप्शन उसकी एक बीमारी. यानी अगर जब मुझे कोई कैंसर हो तो फोड़ा निकलाता है,
उसी तरह करप्शन एक सिम्टम्स है जो कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। तो जो हमारी जंग है सारी, ये लोग पूछते हैं ना कि जी क्या इस वक्त, कोई कहता है हम एशियन टाइगर बना देंगे, कोई कहता है लाहौर को पेरिस। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की। वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। और ये बहुत, ये है असल जंग जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। इसमें कनेक्टेड है आपकी बिजनेस, इसमें कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट, इसमें कनेक्टेड है आपकी खुशहाली, सब इस पर डिपेंड करता है। बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? बनाना रिपब्लिक्स में वसाइल की कमी नहीं होती, उधर कानून नहीं होता, इसलिए उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और कानून का मतलब क्या? ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा कानून, जिसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर तबकाती कानून था। तो ये जंग है एक, और ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। ये एक माशरा जंग जीतता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हर रोज सुबह उठता हूं, मैं तो जहाद समझता हूं इसको। मैं तो ये कोई आम कोई प्राइम मिनिस्टर बन के, अच्छा और ये भी प्राइम मिनिस्टर बनना कोई एम्बिशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना एम्बिशन है। सो ये हम तो इसको जहाद समझते हैं, माफियाज के साथ सब आप तमाशा देखे, हर रोज अफरा तफरी फैलाई हुई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक मुल्क के अंदर एक कानून की बालादस्ती हो। ये ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं वो लोग। तो मैं पहले तो ये बिजनेस कम्युनिटी आप बैठे हुए हैं, पहले मैं आपको बताऊं कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह के चैलेंजेस नहीं सामना करने पड़े। सबसे पहले किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इतने बड़े खसारे पाकिस्तान की तारीख को किसी गवर्नमेंट को फेस नहीं करने पड़े। अगर वो हमारे दोस्त सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, वो हमें फंड्स ना देते तो हम डिफॉल्ट कर गए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज थी, और हम कह भी नहीं सकते थे क्योंकि डर था कि रुपए के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए, हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं थे रुपए को गिरने से रोकने के लिए। तो उससे बड़े मुश्किल वक्त से निकले, इकॉनमी स्टेबलाइज हुई, फिर जो कि एक सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, कोविड, वो आ गया, उससे निकल ही रहे थे, स्टेबल ही हो रही थी, कोविड आ गया। तो कोविड के अंदर जिस तरह पाकिस्तान निकला है, मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकॉनमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। दुनिया में देख लें कि क्या तबाही मचाई है कोविड ने। हिंदुस्तान हमारे से कितनी आगे, उनकी ग्रोथ रेट थी, उनकी माइनसेस में ग्रोथ रेट चली गई, उनके लोग हमारे से पता नहीं, कोई फिगर कहता है कि 10 लाख मरे, कोई कहता है 30 लाख मरे, हमारे देखिए अल्लाह ने कितना करम किया। तो वो बड़े मुश्किल फैसले किए जो मेरे तब फैसले किए, आज बोरिस जॉनसन इंग्लैंड में वो फैसले कर रहा है। हमने तब ये फैसला किया कि हमने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने देना, और वो जो हमारा फैसला था, अगर मैं वो लॉकडाउन कर जाता, जो 3 महीने मुझे तनकीद की गई कि जी लॉकडाउन करो, आज आप देखते कि मुल्क के अंदर क्या हालात होने थे। और फिर उसके बाद एक और क्राइसिस आ गया, जो कमोडिटी दुनिया में, जो सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई, दुनिया में रिकॉर्ड कमोडिटी प्राइसेस चले गए। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने MPs कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, और उसको महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, क्योंकि कमोडिटी सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर, और आप बिजनेस कम्युनिटी है,
आपको तो पता है कि स्टील किधर से किधर गया, कोयला की कीमत किधर से, गैस की कीमत किधर से किधर गई, जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ हम पाम ऑयल वो दुगने से भी ऊपर चला गया, तो वो हमें फिर उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। सो मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस आए, और फिर अफगानिस्तान का चैलेंज आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा शौक है, वहाँ से लोगों को अपनी करेंसी के ऊपर खौफ हो गया कि वो करेंसी गिर रही है, उन्होंने डॉलर खरीद पाकिस्तान से खरीदने शुरू कर दिए, यहाँ से डॉलर अफगानिस्तान जाना पड़ा, रुपए पर प्रेशर पड़ गया। तो ये एक ओवरऑल, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि चैलेंजेस हमें कैसे फेस किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूँ स्टैटिस्टिक्स के, बड़ी सारा वक्त नेगेटिविटी आती रहती है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, वो पाकिस्तान की तारीख में आप सब जानते हैं 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है। ये सारी चीज़ें जो जो पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करती हैं, जिससे जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी है पाकिस्तान में। रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा 32 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस आई। टैक्स रेवेन्यूज, मैं जब गवर्नमेंट में हमारी जब आई, तो मेरी एम्बिशन थी, मैंने कहा पाकिस्तान में हम 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे, तो इस बार ही रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, 6,000 अरब से ऊपर हमारी टैक्स कलेक्शन है। और सिर्फ आप ये देखें कि एक साल में हमने 1,300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी आपने बात की, बिल्कुल अल्ताफ आपने ठीक बात की कि असल में तो जब तक एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे, जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइज, यहाँ तो ट्रेडिंग मुल्क बनने चला गया था। तो इस बारी बड़ी मुझे जो खुशी है, इन हालात के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। और जो मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स हुए हैं पाकिस्तान में इन हालात के बावजूद, वो 930 अरब रुपए के प्रॉफिट्स हुए हैं। यानी ये आप देख लें कि इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जो बड़ी नाहल हुकूमत थी, तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया, और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें, जो जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं, हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक, 10 साल में सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की ऑफटेक हुई है, 1138 अरब रुपए की। सो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस शुरू हुई है। लेकिन मुझे जो खुशी हुई है, जो हमारी फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी आईटी सेक्टर, उसको बिल्कुल निगलेक्ट था, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो हमारा 70% इंक्रीज हुई है आईटी के एक्सपोर्ट्स में, 3.5 अरब डॉलर पर पहुँची है, और अभी हमने शुरू किया है, अभी इंसेंटिवाइज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अब हम आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो असल तो टेक्नोलॉजी के, असल तो वैल्यू एड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर है। लेकिन जो मुझे ये भी बड़ा खुशी हुई, क्योंकि इसकी वजह से हम दो वजह से बचे कोविड में, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर इस वक्त बूम कर रहा है, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, 1100 अरब रुपया इजाफी किया है एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पिछले एक साल के अंदर। अब सोचें कि 60-65% आबादी देहात में रहती है, तो देहात में पैसा कितना गया, उसकी वजह से मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड पर चली गई हैं,
उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मोटरसाइकिल पूरा, अब मोटरसाइकिल पहले तो ये इंजन यहाँ नहीं बनता था, तो इससे गाड़ियों की सेल्स रिकॉर्ड हुई है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो मैं इसके अलावा जो अब आपसे जो आखिर में बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, दो चीज़ें पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक है एक्सपोर्ट्स और दूसरी है टैक्स कलेक्शन। एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो जो मैं अब मीटिंग्स रेगुलरली ले रहा हूँ, पूरी कोशिश है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सारी रुकावटें रोको, और बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। मैं ये भी आपको बता दूँ, हमारे हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी, कोई मुल्क में दौलत वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दे। ये जो एशियन टाइगर्स बने थे सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बने थे, यहाँ कभी जोर ही नहीं दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की पिछले हमारे आने से पहले पिछले 5 साल में। और इसलिए हमारी अब पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किस्म की मदद की जाए एक्सपोर्टर की, जिसकी वजह से अभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। तो पूरे मुल्क की जो ओरिएंटेशन है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ लगा दें, सारे मुल्क को कोशिश करें कि जो एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दें, उनकी उनको हम हीरोज़ बनाएं मुल्क के, उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन दें, क्योंकि ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी इकॉनमी फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। तो हम इससे निकलने के लिए एक पूरा अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सारी कोशिश अब कर रहे हैं कि हमारे हमारा ये आगे से ये बॉटलनेक ना आए करंट अकाउंट का। और दूसरा टैक्स कलेक्शन। देखिए, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में, दुनिया में तकरीबन हम सबसे कम टैक्स देते हैं, और इसमें बहुत वजूहत हैं। ये नहीं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देना चाहती या लोग नहीं टैक्स देना चाहते, लेकिन टैक्स कल्चर नहीं डेवलप हुआ। इसमें सभी शामिल हैं, हमारी FBR जिस तरह वो बनी हुई थी उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, ट्रस्ट डेफिसिट था, FBR के अंदर प्रॉब्लम्स थे, लोग उसको ट्रस्ट नहीं, टैक्स नेट में नहीं आना चाहते थे। और फिर बिजनेस कम्युनिटी को जब ये एक पता चल जाए कि अच्छा जी, वो फलाना टैक्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों टैक्स दूँ, उसकी वजह से भी नहीं डेवलप होता। और फिर पब्लिक के अंदर भी ये शऊर नहीं था। मैं जब पहली दफ़ा बरतानिया गया तो हम स्टूडेंट्स थे, तो हर स्टूडेंट को इस चीज़ का पता था कि अगर अवाम का टैक्स गलत कोई सरकारी नौकर खर्च कर रहा है या, तो एकदम सब शोर मचाते हैं, और इसलिए उनके जो हुक्मरान हैं वो बड़ा देखभाल के टैक्स का पैसा खर्च करते थे। तो ओवरऑल टैक्स कल्चर बना हुआ था, लोगों को एहसास था कि मेरे टैक्स से मुझे फ़ायदा होगा, इसलिए लोग टैक्स देते हैं। स्कैंडिनेवियन ममालिक है, उनकी 50% से ऊपर टैक्स GDP रेशियो है, क्योंकि उनके टैक्स का उनके ऊपर फ़ायदा होता है, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो हमारा बदकिस्मती से ये कल्चर नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि ना अवाम का टैक्स अवाम पे खर्च होता था, हुक्मरानों पर टैक्स खर्च होता था, और शाहाना लाइफस्टाइल के ऊपर। और दूसरी चीज़ कि लोगों को आदत पड़ी हुई थी कलोनियल टाइम्स के लिए कि जब अंग्रेज़ को टैक्स देना भी गुनाह समझा जाता था, तो लोगों को जब अपनी भी हुकूमतें आईं तो लोगों ने कभी इसके ऊपर टैक्स का सोचा नहीं। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक टैक्स कल्चर डेवलप करने के लिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी पैसा हो, जितना भी जैसे जैसे पैसा है वो निचले तबके के ऊपर खर्च हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो। अब ये जो हेल्थ कार्ड की आपने बात की, हमारे से बहुत अमीर मुल्कों के पास भी उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। हर खानदान को, हमारे जितने सूबे हमारे साथ हैं स्वाय सिंध के, हर खानदान को हम 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये हेल्थ सिस्टम है। इसका मतलब ये कि हमारे गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं कि सारा हॉस्पिटल्स का जाल बिछाए पाकिस्तान में, बल्कि हमारा ये हालात है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
छोटे शहरों के अंदर, वहां डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, डॉक्टर्स जाते ही नहीं है वहां। वो चल भी रहे हैं हॉस्पिटल, खाली भी पड़े हैं, और लोग सारे शहरों पे आ जाते हैं और थोड़े से हॉस्पिटल पे सारा प्रेशर पड़ जाता है। तो ये जो हेल्थ कार्ड है, ये हेल्थ सिस्टम कैसे है? अब किसी भी गांव के अंदर लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा, और अगर वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही काम नहीं कर रहा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खुलेगा, लोग उधर चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड से जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, ये सफेदपोश लोग भी जो है, लोअर मिडिल क्लासेस भी हैं, जिनके अंदर कई दफ़ा एक झटका पड़ता है बीमारी का, सारा ख़ानदानी गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे मैसेज आई डॉक्टर्स हॉस्पिटल से कि पहला उन्होंने हेल्थ कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गरीब आदमी का। तो मैं सिर्फ ये इस कहने का मकसद ये है, कोशिश मेरी क्या है, पहले तो बिजनेस कम्युनिटी को पूरी तरह फैसिलिटेट करें। ये जो अभी मैंने कॉर्पोरेट आपको प्रॉफिट्स बताए हैं, जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। कोई खैरात के लिए तो बिजनेस ही करता, बिजनेस तो तब करता कि उसे प्रॉफिट मिले। तो ये आपको मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बिजनेस को प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स पूरे बनाएं और फिर बिजनेसेस टैक्स दें ताकि हमारे पास पैसा आए कि हम और खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि आपके लिए बेहतरी हो, बिजनेस के लिए आपकी आसानियाँ हो। और फिर दूसरा, निचले तबके को ऊपर उठाए, जो हमारा बहुत बड़ा, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ सोशल वर्क का, जो एहसास प्रोग्राम है जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें नीचे स्टाइपेंड्स हैं, जिसमें कर्जे हैं सूद के बगैर। तो पूरा हमारा प्रोग्राम है कि बॉटम अप अप्रोच हो, जो चाइना ने की थी, लेकिन साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी की पूरी सपोर्ट की जाए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होगी जो चाइना में हुई थी, तो तभी आप गुर्बत कम कर सकते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी का मैं इस तरह मेरा पैगाम ये है, रज़ाक दाऊद हमारे मिनिस्टर हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से मैंने खुद लिए थे, इसलिए कि उनको पता है कि बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज़ क्या हैं। सो हम सारा वक्त डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो 50 साल से पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर हैं, उनको पता है कि क्या इश्यूज़ हैं। सो आपके लिए सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये समझें कि हमारी गवर्नमेंट वो है जिसका कॉन्स्टेंटली, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं आप, कॉन्स्टेंटली हमारी कोशिश होगी आपके मसले मसाइल कम करें, जो भी घटाए, ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी पूरी मदद करेंगे कि लोग प्रॉफिट्स बनाएं, साथ साथ आपसे पूरी कोशिश करेंगे आपकी चैम्बर्स के थ्रू कि टैक्स कल्चर आप डेवलप करें, टैक्स दें। ये जो हमने अभी जैसे मनी मिनी बजट कहते हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही कोशिश हुई है, असल में तो आम लोगों के लिए लग्जरी गुड्स के ऊपर थोड़ा चुप पड़ा होगा, और वो होना भी चाहिए, पैसे वाले लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन असल में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट होगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। जो मैं वो मुझे शौकतरीन आज ही बता रहे थे कि हमारी जो रिटेल मार्केट है वो कोई 18 ट्रिलियन की है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 3 ट्रिलियन है, बाकी सारी टैक्स नेट से बाहर है। तो हम एक मॉडर्न इकोनॉमी नहीं बन सकते जब तक ये हम टैक्स कल्चर ना डेवलप करें। साथ साथ मेरा ये आपसे वादा है कि हम कॉन्स्टेंट रिफॉर्म्स कर रहे हैं FBR में, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं ताकि कम से कम टाकरा हो टैक्स कलेक्टर का और लोगों का, ताकि जो सारी दुनिया में है मॉडर्न टैक्स सिस्टम, कि उसके अंदर ऑटोमेशन आए। तो वो हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। और मुझे ये आखिर में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 सालों में जितना लोगों ने, इतने इतने हमें प्रॉब्लम्स आए, लोगों ने सारा मुझे कहा जी कि इमरान साहब आप मायूस तो नहीं हो गए, मैं आज आपको खड़े होकर कहता हूँ कि ये है एक साइकिल, ये जो 2-3 महीने का है, ये जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं सप्लाई शॉर्टेज की कोविड की वजह से, ये 3 महीने के बाद इंशाल्लाह आप ये देख लेंगे कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में बढ़ने का है, जो इंटरेस्ट बाहर लोगों को पाकिस्तान का है, जिन चीज़ों के ऊपर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी, बस टूरिज़्म है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी इस मुल्क पर, टूरिज़्म अंदर भी एक्सप्लोर कर गए, बाहर से भी इंटरेस्ट है, कोविड की वजह से वो नहीं,
यही सिर्फ एक सेक्टर है जो कि हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो पूरा कर सकता है। फिर आईटी के अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, हमने तवज्जो ही नहीं कभी दी आईटी के ऊपर। हिंदुस्तान की 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी उसके ऊपर कोई इंसेंटिव ही नहीं उनको दिए। वो बाहर जाके दुबई जाके हमारे यंग सॉफ्टवेयर आईटी के इंजीनियर्स वहाँ जाके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए वो स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट किया। सो इस मुल्क में हर जगह पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड हमारी क्रॉप्स हुई हैं, 4 क्रॉप्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जैसे जैसे इसकी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी और बेहतर सीड्स का करें, और हमें बड़ा फ़ायदा है कि चाइना पूरा हमारी मदद कर रहा है इसमें, हम अगर दुगनी भी अपनी प्रोडक्शन कर दें, छोड़ें कि बाकी 3-3 गुना ज़्यादा उनकी यील्ड्स हैं और दूध की उनकी 4-4 गुना ज़्यादा है, हम सिर्फ डबल ही कर दें तो पाकिस्तान सिर्फ एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट खुशहाल हो जाएगा। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। और ये जो ऊंच नीच हुई है थोड़ी सी, ये एक्सटर्नल शॉक से हुई है। इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का पोटेंशियल जो है वो वही जो आज से 50 साल पहले सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था एशिया में पाकिस्तान, और वो हमने गलत पॉलिसीज़ की वजह से पीछे रह गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वहीं से फिर से शुरू होगा, और आपका बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ होगा इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। शुक्रिया।